भ्रष्टाचार का अड्डा बना ब्यावर नगर परिषद। 1800 की रसीद थमाकर परिषद कर्मी डकार गया 3000 रुपए। पार्षदों में पीड़ित ने आयुक्त से की कर्मी अशोक की बर्खास्तगी की मांग। ब्यावर नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने आयुक्त राजेंद्र सिंह चंदावत पर उनकी देखरेख में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का एक छोटा सा कर्मचारी मकानों के बनाने की स्वीकृति में नल बिजली के लिए रोड कटिंग की तय राशि से अधिक वसूल कर न केवल स्थानीय लोगों को लूट रहा है बल्कि परिषद पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। मंगलवार शाम को परिषद के आयुक्त राजेंद्र सिंह चंदावत के कमरे में तेज तेज चिल्लाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के शासन में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया गया तो आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा। जबकि सबसे गंभीर रूप से बात यह है कि भाजपा शासन में नगर परिषद सभापति बबीता चौहान को भ्रष्टाचार ब्यूरो ने रंगे हाथों उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसी आरोप में लगभग 1.5 माह की जेल भी काटाई लेकिन जमानत पर आने के बाद पुनः DLB से अपनी बर्खास्तगी को निरस्त करवा लाई। जब उनसे इस भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ पार्षदों ने शिकायत की है कि आयुक्त से बातचीत करने के बाद जांच में यदि दोषी पाया जाता है तो कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चंदावत ने भी बताया कि परिषद का कोई भी कार्मिक किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसकी शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर शत प्रतिशत कार्रवाई होगी। जबकि आरोपित कर्मचारी इस मामले में अपने आप को निराधार बताते हुए कहा कि ब्यावर नगर परिषद के कई पार्षद कटिंग के नाम पर सीसी रोड या डामर की रोड केवल उस पर ये लिख कर आते हैं कि वह वहाँ केवल कच्ची सड़क है। जब पार्षद लोग ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं। जबकि पीड़ित सुंदरलाल ने 1800 रुपए की जगह 3000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। वही इसकी पुष्टि उनके वार्ड के पार्षद सरदार मंजीत सिंह मोनू कर रहे हैं। उन्होंने परिषद प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप भी लगाया यदि भ्रष्टाचारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो वह आंदोलनात्मक रुख अपनाएंगे। वह ये नया मकान बना रहे थे, इनके नक्शे की फाइल लगी थी, नक्शा इनका पास हो गया। हमारे आयुक्त महोदय ने अभी कोई आदेश जारी लिखा था कि रोड कटिंग की आपको परमिशन लोगे जब आपको नक्शा मिलेगा। तो ये इन्होंने आयुक्त साहब ने अशोक करके जादव है वो शायद पता नहीं कौन सी पद पर है लेकिन उसको ये बड़ा पद दे दिया कि भाई तू ये रसीदे तू ही काटेगा जाके। तो इन्होंने उसको बोला कि भैया मेरे वहाँ बख्या तो बोला कि मकान बनावा है, मकान बनावा नहीं है, मेरे तो खाली प्लॉट है तो मैं साइड चल के देखूंगा 6000 रुपये। तो ये अगला आदमी वहाँ लेके गया, मौके पर देखा ना मकान था, ना सीमेंट की रोड है, ना डामर की रोड है, कच्ची रोड है। और जबकि नगर परिषद कमी साहब का नियम है कि कच्ची रोड पे अपन को पैसा नहीं लेना, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस समय जो वार्ड का है किशनगंज का उनसे इन्होंने 3000 रुपये ले लिया। तो मैं उन्होंने कहा वैसा वैसे 3000 लिए मैं कोई बात नहीं, नगर परिषद में जमा होते पैसे। फिर ये मेरे पास सुबह आया कि वैसे मुझे तो 1800 की रसीद दी है बाकी के पैसे। तो मैंने कहा ये तो गलत हो गया। हमने कल कमी साहब को फोन भी किया, साहब शायद मीटिंग में बिजी थे। फिर आज हमने सुबह बात करके भैया के साथ हम यहाँ आए, हमारे वाइस चेयरमैन साहब बाकी सारे पार्षद लोग, कमी साहब को बोला है कि साहब उसको सस्पेंड किया जाए और इसके साथ जो नाजायज पैसे जो 3000 रुपये जो इसका मानता नहीं था वो लिया है तो इसको वापस दिया जाए। अब नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है अब हमारे को पता चल जाएगा कि इसको सस्पेंड करते नहीं करते। इस मुद्दे को हम हमारी पार्टी लेवल के स्तर पर इसको उठाएंगे और इसके खिलाफ में धरना देंगे प्रदर्शन। और जिस तरह से नगर परिषद के अंदर जो रोड कटिंग के नाम पर जो अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है क्या है सारा मामला? अभी मुझे भी अभी जानकारी मिली है, सभी पार्षदगण आए हैं मेरे पास भी कह रहे हैं शिकायत की है। तो हम लोग इस मैटर पे आयुक्त साहब से बात करके इस चीज़ की जांच करेंगे, अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से आपके पार्षद आपसे पहले मिल के गए और उन्होंने पार्षदों ने अभी शिकायत की है आयुक्त महोदय को, तो आखिर में इससे पहले तो आपको ही इन्फॉर्मेशन दी होगी? नहीं, मुझे अभी बुलाया, मैं अभी आई हूँ, कोई काम से बिजी थी आई हूँ, आते अभी बताया। पहले ये लोग कमिश्नर साहब से मिल के आए और मुझे अभी बताया है जस्ट मिशन के लिए वही करना था काम जो उसकी खुदाई के लिए इसने 6000 मांगे थे। रोड दोनों तरफ कटा हुआ था, बना हुआ नहीं था। फिर उसने बोला 3000 लूँगा, तेरा काम कर दूँगा, फायदा कर दूँगा। उसने मेरे को रसीद दी 1800 रुपये की। अच्छा, फिर आपने शिकायत की? शिकायत तो मैंने आज ही हुई है शिकायत। तो फिर क्या कहा अब शिकायत के बाद? शिकायत पर बोला भी कर देंगे। क्या कर देंगे? दिला देंगे पैसे, ऐसे बोला। अच्छा, पैसे 3000 रुपये ये बाहर दिए थे? बाहर कहाँ? ये नगर परिषद के बाहर ही दिए थे। क्या नाम था, किसको दिए थे? अशोक को। वो क्या है, कौन है अशोक लिखने वाला है जो? चलो, शिकायत की बात पार्षद। आखिर क्या मामला, जिस तरह से रोड कटिंग को लेकर जिस तरह से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, क्या है सारे रोड? देखिए, नगर परिषद के द्वारा नियमों के तहत रोड कटिंग के जो भी प्रकरण आ रहे हैं उसमें पैसा जो है एज पर रूल वसूल किया जा रहा है, उसकी रसीद दी जा रही है। और यदि इस घटना के बावजूद भी यदि किसी को किसी भी प्रकार का एतराज़ है तो निश्चित तौर पे मेरा ऑफिस खुला है, मेरा नंबर खुला है। वो कोई भी व्यक्ति जिसको भी किसी भी प्रकार का मेरे नगर परिषद में इस प्रकार का कहीं भ्रष्टाचार का जो वो जैसा आरोप लगा रहे हैं
कैसा इस प्रकार से नगर परिषद के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। निश्चित तया जिस कर्मचारी ने इस प्रकार की गलती की है, गलत काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। नहीं, अब जैसे पार्षदों ने शिकायत की है तो आखिर में क्या रहे? नहीं, वो देखिए, मैं उनकी बात थी, उनकी बात को बिल्कुल सुना है मैंने अच्छी तरह से, और उसमें जांच कर लूँगा, मैं देख लूँगा, और जो भी कार्मिक इस प्रकार की कार्यवाही में यदि लिप्त पाया गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और अन्यथा नगर परिषद जो भी वसूली कर रही है रोड कटिंग के मामले में, वो नियमों के तहत कर रही है। जो भी सी सी रोड है, डामर की रोड है, उसमें पैसा वसूल किया जा रहा तो नियमों के तहत किया जा रहा है, और नगर परिषद की उसका वो अधिकार है, उसमें कोई गलत कार्रवाई नहीं की जा रही। 1800 रुपये की एक रसीद कटनी चाहिए थी, आपने काट के दी है, उसकी एवज में आपने 3000 रुपये ले लिए, जो एक भ्रष्टाचार का आपके ऊपर आरोप लगा है। सरासर निराधार है। अब क्या ये पब्लिक का पैसा हुआ मानचित्र में लग रहा है, और ये आरोप लगाने सीधे के यार, हम तो वैसे भी इतना पैसा लगा चुके हैं पब्लिक, ये फॉर्म है मेरे पास, एक महीने पहले आया था फॉर्म, इस पे किसी रोड है 30 फीट की, मेरे पार्टी को रुपए बताए थे भाई तुम्हारे इतने बनेंगे, वो आज तक नहीं आया इस फार्म के लिए। आपने एक मिनट बात सुनो, सत्यनारायण से आपने 3000 रुपये लिए या नहीं लिए? नहीं लिए सर। तो वो जो 1800 रुपये रसीद दी, वो आपने दी या नहीं दी? 1800 रुपये उन्होंने दिए, मैंने 1800 रुपये की उनको रसीद दे दी थी। तो वो 3000 रुपये का जो आरोप लगा रहा गलत है? बिल्कुल सर। पार्षद आप ये गलत बोल रहे हैं। अब ये फॉर्म, एक मेंबर आया था आज मेरे पास, इस फॉर्म को हटा दिया, नया फॉर्म लेके आए कि वहाँ पे तो कच्ची रोड है, और वास्तव में वो सीसी रोड है। अब यहाँ पे ये स्थिति है कि मेंबरों की नहीं सुनो तो वो आरोप लगाते हैं, और सुनते हैं तो बस नहीं लगाएंगे। कौन सा मेंबर लेकर आया था? अब सर मैं नाम के बताऊँ, ये जिस बाढ़ गया है गोकुल नगर का है, तो आपको कहाँ है?